नमस्कार, साहित्य तकिया बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी, सहर जमा की यह पुस्तक है जिसके साथ मैं उपस्थित हूँ। तलत महमूद साहब वह शख्सियत थे जिन्हें सुनकर किसी ज़माने में जगजीत सिंह और मोहम्मद रफ़ी जैसे लोगों ने गाना सीखा था। गायकी की दुनिया में तलत महमूद की जो आवाज़ है वह प्रेम की, विरह की, संवेदना की एक ऐसी आवाज़ थी जिसके गीत आज भी जब भी रेडियो पर बजते हैं या यूट्यूब और इंस्टाग्राम या कहीं भी बजते हैं तो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। यह पुस्तक सहर जमा ने लिखी है और वह एक तरह से तलत महमूद साहब के इश्क में, उनके गानों के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। पत्रकार थी, टेलीविज़न की बड़ी शख्सियत थी, दूरदर्शन से भी जुड़ी थी और तमाम साक्षात्कारों के बीच जब उनकी मुलाकात तलत महमूद साहब से हुई और उनका जुड़ाव उनसे होने लगा धीरे धीरे, और बाद में ये उनके तमाम शो को कंडक्ट करती रही और जिस तरह उनके प्रति लोगों का आकर्षण था, संगीत प्रेमियों का पूरी दुनिया में आकर्षण था, उसने इनको इस बात के लिए बाध्य किया कि ये जश्न ए तलत कार्यक्रम को ये कराएं। उसके बाद उसी कार्यक्रम के आधार पर जो कुछ उन्होंने उस दौरान देखा उससे उन्होंने इस पुस्तक को एक तरह से तलत महमूद साहब को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है। यह पुस्तक एक ऐसी शख्सियत ने लिखी है जिसने तलत महमूद के उस दौर को देखा है जो उन्हें एक बड़े सुपरस्टार से भी ऊपर एक किंवदंती पुरुष के रूप में स्थापित करता है। कई ऐसी घटनाएं हैं इस पुस्तक में जो बताती हैं कि लोग किस तरह से उनके प्रति दीवाने रहते थे, उनकी आवाज़ के दीवाने रहते थे। यहाँ तक कि दुनिया भर में लोगों ने, बहुत सारे लोगों को जिसमें दिलीप कुमार साहब भी शामिल हैं और सुनील दत्त भी शामिल हैं, उन लोगों की आवाज़ को या उनके जादू को तलत महमूद के गानों ने लोगों के दिलों में उतारा उस दौर में। और ख़ास बात यह कि यह सब कुछ होते हुए भी वो इतने ज़मीनी व्यक्ति थे कि कभी भी उनके ऊपर कोई इस तरह का गुमान उनको नहीं हुआ कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ, कोई अलहदा व्यक्ति हूँ। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है और यह पुस्तक हर पन्ने में लगभग सहर जमा ने इस बात को दर्ज किया है। उनके गीतों से लेकर बहुत सारी उनकी फोटोएं हैं जिसमें माई बम्बई नाना, ये बम्बई का अर्थ मुंबई से है, किस तरह से वह वहाँ गए, किस तरह से जब पहली बार जश्न तलत का कार्यक्रम रखा गया और यह कमरे में बैठकर तैयारी कर रही थी शो की और अचानक वह कमरे में आए और उन्होंने कहा कि तुमने सहर यह कर दिया। इनको समझ में नहीं आया कि अभी तो प्रोग्राम हुआ नहीं, अभी कार्यक्रम हुआ नहीं है और इतनी बड़ी बधाई क्यों मिल रही है। तो पता चला कि वह हाल उस समय खचाखच भरा हुआ था और पब्लिक नियत समय के लिए इंतज़ार भी करने की स्थिति में नहीं थी। लोगों को ये था कि कैसे भी तलत साहब तुरंत मंच पर आए। इसके अलावा इस बायोग्राफी के दौरान जो तलत महमूद साहब के संबंध थे दुनिया भर में लोगों से, और फिल्मी दुनिया के लोग जिस तरह से उनकी इज्जत करते थे और किस तरह से वे तमाम व्यस्तताओं के बीच एक पारिवारिक व्यक्ति थे, किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को, तहजीब को, और गानों में उर्दू हिंदी की बात आज बहुत
की जाती है, लेकिन तलत की आवाज़ ने उस सीमा को कैसे तोड़ दिया था, और वो भी उस दौर में जिस दौर में भारतीय सिनेमा अभी उभर ही रहा था। वह सफ़ेद श्वेत श्याम ईरा का दौर था। फिल्में उस तरह से बनती थी जिसमें किसी भी तरह की नुमाइश की गुंजाइश नहीं थी, किसी भी तरह की अश्लीलता की गुंजाइश नहीं थी। भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के तुरंत बाद संस्कृति को सहेजने की बात थी। उस दौरान किस तरह से व्यावसायिक संगीत का दौर बढ़ा, किस तरह से आकाशवाणी स्थापित हुआ, किस तरह से इनकी आवाज़ ने आकाशवाणी को भी एक पहचान दी, किस तरह से अपनी युवावस्था में ही किशोरावस्था में ही तलत साहब क्या खूबसूरत व्यक्तित्व रहा होगा, यह चित्र बताता है। जब भी इस पुस्तक के पन्नों को आप पलटेंगे तो केवल बातें नहीं हैं, उनके जीवन के ऐसे पहलू भी हैं जो अनूठे हैं। और तलत साहब का जो मैंने पहला चित्र दिखाया और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, दिलीप साहब को ट्रेजडी किंग कहा जाता है, लेकिन ट्रेजडी किंग बनने में किस तरह से उनकी भूमिका थी, आप यह समझिए कि तलत महमूद साहब, ये 1951 की फोटो है, आप समझ सकते हैं कि वो खुद भी चाहते तो फिल्मी दुनिया में हीरो बन सकते थे, लेकिन गायकी में वो इस तरह से डूबे कि गज़ल की दुनिया में, गीतों की दुनिया में उन्होंने जो स्थान स्थापित किया। इसके अलावा उनकी समाज सेवा का, मैंने पारिवारिक पहलू की बात की, संगीत की दुनिया के पहलू की बात की, उनके बॉलीवुड की ज़िंदगी की बात की, लेकिन तलत साहब तमाम समाज सेवा के कामों में भी लगातार सक्रिय रहे, और उनके लिए किस तरह से पैसे की व्यवस्था हो उसके लिए भी वो तमाम शो करते रहते थे। लोगों के बीच संगीत कैसे हो, भारत भूमि का सम्मान कैसे हो, अपने राष्ट्र के प्रति लोगों का नाता कैसे बढ़े, और किस तरह से फिल्मी दुनिया को पूरे विश्व सिनेमा के सामने तकनीकी रूप से संगीत के रूप में उसको स्थापित किया जाए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्टूडियो की स्थापना में भी इस दिले नादान की अपनी एक भूमिका थी। इसी तरह से शम्मी कपूर की पहचान भी तलत साहब ने अपने गाने से कर दी थी। तो उनके जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं, चाहे वह उनके व्यक्ति के रूप में पहलू हो, एक गीत गायक के रूप में उनके जीवन का हिस्सा हो, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उनके जीवन का हिस्सा हो, एक समाज सेवी के रूप में उनकी अपनी भूमिका हो, प्रेरणा देने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी अपनी भूमिका हो, एक दोस्त के रूप में उनकी अपनी भूमिका हो। मुकेश साहब के जाने माने दोस्त थे, नूरजहाँ ने जब उनको एक बार ऑफर दिया था, इसमें एक बड़ी ही अच्छी सी घटना है जो कराची डायरी के रूप में यहाँ दर्ज है, कि किस तरह से नूरजहाँ और तलत महमूद साहब की आवाज़, उनके प्रति दीवानगी इतनी थी नूरजहाँ की कि उन्होंने उन्हें किस तरह का ऑफ़र दिया था। तलत महमूद के जीवन के बारे में और एक ऐसी शख्सियत के जीवन के बारे में जिसे हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। आज के समय में भारतीय सिनेमा शास्त्रीय संगीत से अलहदा हो गया है, अलग हो गया है, लेकिन तलत महमूद साहब जिस दौर में आए, भारतीय संगीत जगत में, कला के क्षेत्र में इतने बड़े लोग थे, आप कल्पना करिए कि सत्यजीत रे जैसा और बिमल मित्र जैसे लोग उस समय सिनेमा बना रहे थे, पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर जैसे लोग सिनेमा जगत में थे, बड़ी बड़ी गीतकार साहिर लुधियानवी से लेकर और जानिसार अख्तर से लेकर तमाम तरह के लोग उस समय फिल्मी दुनिया में मौजूद थे। इन सब के बीच अपनी आवाज़, अपने व्यवहार से न केवल एक मुकाम बनाना, बल्कि उसी दौर में संगीत के कार्यक्रमों को आयोजित करना, आकाशवाणी पर प्रस्तुति देना, ये और साथ साथ परिवार और समाज को समय देना और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, तलत महमूद साहब के जीवन पर यह पुस्तक एक विशिष्ट दृष्टि डालती है। उनको समाज के सामने,
उनके उन पहलुओं को भी रखने की कोशिश करती है जिनको आपने अब तक देखा नहीं होगा। इस पुस्तक की अपनी अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंडित हरप्रसाद चौरसिया से लेकर सोनू निगम से लेकर डॉक्टर शशि थरूर से लेकर आदिल हुसैन जैसे लोग भी इस पुस्तक की प्रशंसा में कुछ न कुछ शब्द लिखते हैं। सहर जमा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए और तलत महमूद साहब के प्रशंसकों के लिए यह किसी ग्रंथ से कम पुस्तक नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी की पठनीय समझ हो तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मैं कहूँगा कि सहर जमा जी को अनुरोध करूँगा और इस पुस्तक के प्रकाशक को भी कि उनको प्रयास करना चाहिए कि यह पुस्तक हिंदी में भी आए, ताकि कम से कम तलत महमूद साहब के जो चाहने वाले हैं उनके प्रति एक योगदान होगा। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक हिंदी में भी आ सकेगी। जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसका मूल्य 650 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं आपके किसी चहेते लेखक के साथ उनके जीवन कर्म पर या उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर बात करूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।